सो हेलो गाइस, दिस इज आदित्य वर्मा एंड यू आर वाचिंग आदित्य वर्मा आर्ट्स। तो क्या हुआ ना कि कल रात को मैं जब ड्राइंग कर रहा था तो मैं सोचा कि यार जितने भी मतलब आप लोग हैं मेरी जैसी हैं, आप भी ड्राइंग करते हैं। मेरे को भी मतलब अभी 2 महीने 3 महीने पहले तक क्या होता रहा कि जब भी मैं ड्राइंग करता रहा तो मेरा कहीं हाथ बड़ा हो जाता कहीं होता है, लेकिन क्या होता रहा होता रहा मेरे साथ बहुत ज़्यादा हुआ है। लेकिन क्या बहुत प्यारी सी ट्रिक है, आपको ज्योमेटिकल शेप्स का यूज़ करना है। मतलब फेस का प्रोपोर्शन कितना होता है तो वो सर्कल से होता है, ये सब मैं उसके ऊपर डेडिकेटेड वीडियो बनाऊंगा। लेकिन अभी जैसे कि सब मैंने कल रात को ड्रॉ किया उसकी मैं वीडियो बनाया हूँ, तो आप उस वीडियो को देखिए और फिर इसके बाद मैं उसमें शेडिंग कैसे करूँगा, उसमें डिटेलिंग कैसे करूँगा, तो वो पार्ट्स में आएगी वीडियो, तो आप उसको इंजॉय करिए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैंने फेस ड्रॉ करने के लिए पहले एक सर्कल बनाया हूँ, उसको ज्योमेट्रिकल शेप्स, आप कोई भी अगर आप बना रहे हैं स्ट्रक्चर बना रहे हैं या कोई फेस बना रहे हैं, कोई बॉडी बना रहे हैं, तो उसमें आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपको है ना उसको ज्योमेट्रिकल शेप्स में डिवाइड कर देना है। कि जैसे मैं जो करता हूँ तो हेड के लिए मैं राउंड ले लेता हूँ, फिर उसमें 2 ओवल शेप्स बना के उसमें बीच से एक लाइन खींचता हूँ किस तरफ चेहरा है। तो ये एक मतलब बहुत ही ज़्यादा बेसिक है, लेकिन ये बेसिक्स ही आपको की जो ड्राइंग है उसको स्ट्रॉन्ग करेंगे। तो आप फिर उसके बाद देख सकते हैं कि मैं बहुत डिटेल में नहीं जा रहा हूँ अभी, ये जैसे कि आप रेफरेंस भी देख सकते हैं फेस थोड़ी बड़ा है, लेकिन मैंने अभी छोटा सा बनाया हूँ, तो वो केवल मैंने अभी एक रेफरेंस के लिए बना लिया हूँ कि यहाँ पे फेस होगा, यहाँ पे ऐसा आँख आएंगे, यहाँ पे हाथ रहेगा। क्योंकि अभी मैं एक इनिशियल स्केच बना रहा हूँ, वो डार्क इसलिए लग रहा है क्योंकि मैंने इसको ब्लैक एंड व्हाइट में कन्वर्ट कर दिया था ताकि आपको वो स्केच दिखे। बाकी जब रियल में रहा तो वो इतना डार्क नहीं दिख रहा था, आप जो एंड में फोटो आएगी आप उसको देख सकते हैं। तो आप देख सकते हैं जैसे कि मैंने हाथ बनाने के लिए पहले एक सर्कल लिया था, फिर ओवल लिया था, फिर फिंगर्स के लिए अलग शेप लिया, थंब के लिए अलग शेप लिया। तो ये जो ज्योमेट्रिकल शेप्स होते हैं आप इनको यूज़ करके बनाएंगे तो आपकी जो आउटलाइन रहेगी वो बहुत बहुत ही अच्छी बनेगी। फिर आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से अभी जो विंग्स हैं उनको ड्रॉ कर रहा हूँ। अभी मैं बहुत ही ज़्यादा लाइट पेंसिल चलाने की कोशिश कर रहा हूँ, जहाँ पर मैं इसे गलती होती है तो मैं इरेजर से मतलब इरेज कर देता हूँ। मैं अभी जो इरेजर यूज़ कर रहा हूँ वो लेवल इरेजर है, तो जिसे आप किसी भी शेप में बहुत आसानी से मोल्ड कर सकते हैं। तो आप उसका अगर यूज़ करेंगे तो आप बहुत ही मतलब डिटेलिंग में इरेज कर सकते हैं। अगर आपको बहुत छोटी जगह में इरेज करना है या फिर हाईलाइट देना है तो उसके लिए बहुत अच्छी रहती है। फिर देखिए जैसे कि मैं सेकेंड विंग जो बना रहा हूँ तो अभी उसको भी बहुत ही ज़्यादा लाइट बना रहा हूँ, कोई मतलब डिटेलिंग नहीं, जो जितनी भी अंदर उसमें फैदर्स बने हैं मैं उसमें अभी नहीं जा रहा, कोई कोई वर्क नहीं कर रहा। मैं केवल एक रेफरेंस ले रहा हूँ कि यहाँ पे एक फैदर आएगा, यहाँ पे एक फैदर आएगा, फिर धीरे धीरे ऐसे करते जाऊँगा। और बस यही है, आराम से करना है, बिल्कुल भी जल्दबाजी नहीं करना है, आपको पेशेंस के साथ ड्रॉ करना पड़ेगा। क्योंकि जितना ज़्यादा आप पेशेंस से रहेंगे आपका जो स्केच है वो उतने ही निखर के आएगा। तो आपको बहुत ही आराम से करना है, बहुत टाइम दे के बनाना है, एक एक चीज़ को ऑब्जर्व करना है कि किस शेप में है, कितनी दूरी में है, कितना उसका साइज है, क्या वो कितनी ज़्यादा वो उसकी विड्थ है। तो इससे क्या होगा आपकी ऑब्जर्विंग पावर जो है जिससे आप ऑब्जर्व करके कोई भी फिगर को स्केच कर सकते हैं वो अच्छी इंप्रूव होगी। और आप जैसे कि देख सकते हैं जो रेफरेंस है उसमें मैं कोई भी राइट हैंड नहीं है, लेकिन मेरे को इसमें राइट साइड में थोड़ा सा कमी लगी तो मैंने वहाँ पे एक हैंड ड्रॉ कर लिया। तो ये फ़ायदा होता है जब आप अच्छे से ऑब्जर्व करना के कोई स्केच करना सीख जाते हैं तो आप बिना देखे भी बिना किसी रेफरेंस के भी आप उसको बहुत अच्छे से बना सकते हैं। जैसे कि मैं भी एक हाथ का शेप बना रहा हूँ। जितना ज़्यादा आप ज्योमेट्रिकल शेप्स का यूज़ करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी ड्राइंग जो है आपके लिए सिंपल होती जाएगी। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू फॉर वॉचिंग। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट ऑल ऑफ माई नोटिफिकेशन ऑन टाइम। थैंक